अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए 1 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां मामला दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। घटना बठिंडा के हरदीप सिंह नगर की है। पूरी घटना की जानकारी आज बठिंडा के आईजी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। देखो, एक बड़ी दुखद घटना हुई सी 27 जून नू पिछले महीने, जिदे विच एक साडे शहर च एक 8 साल की मासूम बच्ची नाल रेप की घटना हुई सीगी। ये जो तो घटना रिपोर्ट हुई उस तो इमीजिएटली बाद पुलिस ने तफ्तीश अपनी शुरू करती, उस एरिए की पूरी स्कैनिंग की। केस रजिस्टर करन तो बाद जिहड़े उस एरिए दसा गया जिहड़ा होलिया सीगा उहदे जिहड़े नाल रलदे हुए नौजवान सीगे मुंडे, उन्हां दी तस्वीरां कराईआं गईआं। तकरीबन 500 फोटोग्राफ कराउण तो बाद वो बच्ची नूं दिखाया गया तो उन्हें एक अक्यूज जड़ा है आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस घटना तो इमीजिएटली बाद पुलिस ने तेज एक्शन करके ये 3 दिनों विच सानू इस केस नूं ट्रेस करन च कामयाबी मिली है। तो जड़ा ये मुलजिम हैगा इहदा नाम विक्की हैगा, 29 साल का उसी एरिए रहिंदा है। तो ये जड़ा हैगा साडे वल्लों अज उहदी निशानदेही होण तो बाद अज सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खेता सिंह बस्ती हरदेव नगर, हरदेव नगर च गली नंबर 5 विच रहिंदा सी। ए उत्थे इहदे मुताबिक उत्थे गया होया सीगा उस दिन, ते उन्होंने बच्ची नूं देख करके इहदे नाल रेप कीता। पहले भी कोई इहदे क्रिमिनल मामला दर्ज है? इहदे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड फिलहाल नहीं मौजूद हैगा साडे कोल। नहीं, कोई जान पहचान नहीं थी। ये बाजे टक्कर वाली गल है, वो उत्थे गया होया सीगा ते उन्हें बच्ची नूं खेतां च जांदे देखिया है फॉर नैचुरल कॉल, तो उन्होंने देख करके उन्हें उन्होंने फड़ लिया। तो आ जी बदसलूकी की वाइपर बेचता है। देखो ये केस जोड़ा है इमीजिएटली जोड़ा है मतलब अरेस्ट करने बाद छेती तो छेती यदि एविडेंसिस इकट्ठी करने तो बाद टू कोर्ट कराया जाएगा। तो आप कोशिश करा कि छेती तो छेती वध तो वध सज़ा हो। जिस तरह पुलिस ने जल्दी ट्रेस किया, उस पुलिस अधिकारी ने कोई सर्टिफिकेट? देखो जो श्लाघायोग काम कर रहे हैं उन्होंने रिवॉर्ड जरूर दिता जाऊगा। नशे के खिलाफ पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की मुहिम जी हैगी बहुत शिद्दत नाल चल रही हैगी। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हैगी, कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी पद्धर से जेकर इन्वॉल्व पाया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को एजुकेट करने लिए गवर्नमेंट वालों जोड़े डेपोज नियुक्त किए गए होने उन्होंने इसी हफ्ते साड़ी अपनी मीटिंग शुरू हो रही है। एस डी एम साहबान, पुलिस ऑफिसर, डीसी साहब, मैं SSP साहब मिल करके इन्हों एड्रेस करा तो समाज की इनवॉल्वमेंट करके लोगों को इनवॉल्व करके उन्होंने एजुकेट करके आप कोशिश करा कि जो नौजवान ये शामिल ने उन्होंने ये दुष्प्रभाव दस करके इन छड़ाया जाए ताकि बेहतर तरीके नाल इस समस्या पर काबू पाया जा सके। किस तरह का नशा? देखो ये मिक्स हैगा, चिट्टे ते भी कार्रवाई बहुत ज़्यादा सख्ती नाल हो रही हैगी ते इहदी भी जिहड़ी हैगी अवेलेबिलिटी घटी हैगी। इहदे विच मेडिकल नशा भी रिपोर्ट होया हैगा जिहदे विच लोकी दवाइयां ले रहे ने ते मिक्सिंग जी हैगी, पर जिहड़े भी जो भी जिस तरीके नाल नशे दे कारोबार विच ने उन्हां नूं वार्निंग भी हैगी ते उन्हां दे खिलाफ ये साडी मुहिम है कि जे ये जिहड़े भी बंदे फड़े जाणगे उन्हां दे खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। ये संबंध में वैसे मैं थोड़ा दसा, मैं जेडे नाल दे SSPs है ने स्टेट के उन्होंने भी साड़ी मीटिंग हुई हैं। पिछले दिन हनुमानगढ़ च एक कोआर्डीनेशन मीटिंग भी हुई सी, साढ़े वालों फैसला किया गया हो कि जेडे सरहदा है ये तनाके जॉइंट नाके लगाए जाण ते उहदे विच जिहड़े भी बंदे कोई इस पार या उस पार दे जे अगर मुलजिम हैगे ने जिन्हां दे इस कारोबार विच शमूलियत हैगी उन्हां दे खिलाफ सख्त तों सख्त कार्रवाई की जाए। कोई मर्जी हो जिहड़ा अपराध विच शामिल है वो अपराधी है भावे कोई होवे। अपील न्यूज़ के लिए कैमरामैन कपिल।
शर्मा के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट बजेंद्र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।